नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम गाइड गुरु में। पिछला वीडियो हमने आपके लिए करंट अफेयर्स का लेकर आए थे, जो कि 30 क्वेश्चन थे उसमें, और आज नया वीडियो लेकर आए हैं जो कि भाग 2 नाम दिया है। इसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है, ये SSC बैंक व्यापम संविदा शिक्षक MPPSC और रेलवे के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आप 17 का लेकर आया हूँ। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो 31 मई 2017 को घोषित हुए सिविल सेवा परीक्षा 2016 के अंतिम परिणाम में किस शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा नंदनी KR। दोस्तों, इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई 2017 को पटाखों के निर्माण में कितनी भारी धातुओं के प्रयोग को प्रतिबंधित किया है? तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा सी, मतलब 5। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। 12वें ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन तथा 15वें आसियान भारत सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2017 में कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा मनीला, फिलीपींस। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं चौथा क्वेश्चन। जैव कृषि विश्व कुंभ 2017 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों, इसके बारे में कुछ अपन सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर देखेंगे। दोस्तों, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में 8 से 9 नवंबर 2017 के बीच जैविक कृषि विश्व कुंभ 2017 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विश्व के 110 देशों के 1400 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इसका आयोजन इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग मूवमेंट्स तथा OFI ने संयुक्त रूप से किया। जैविक कृषि विश्व कुंभ 2017 में जैविक खाद के माध्यम से कृषि कार्य को बढ़ावा देने की प्रवृत्तियों पर विचार विमर्श किया गया है दोस्तों, तथा इस प्रकार के कृषि से होने वाले लाभों पर चर्चा की गई। भारत में वर्तमान समय में 22.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर जैविक कृषि की जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका चौथे का आंसर रहेगा ए, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांच क्वेश्चन। तो केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 10 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने तथा उसकी पुनर्संरचना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो दोस्तों, इसका आंसर बी रहेगा, मतलब 2009 में। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने की अध्यक्षता में 10 नवंबर 2017 को संपन्न केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जारी रखने तथा उसकी पुनर्संरचना के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापूर्ण जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा बेहतर निगरानी जारी करने की प्रक्रिया को स्वीकृति प्रदान की है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठवां क्वेश्चन। द्वीप विकास एजेंसी IDA की दूसरी बैठक की अध्यक्षता 8 नवंबर 2017 को किसने की? तो दोस्तों, इसका आंसर रहेगा गृह मंत्री। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं जो कि एग्जाम में आ सकती है। तो द्वीप विकास एजेंसी की दूसरी बैठक 8 नवंबर 2017 को आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने की। IDA की पहली बैठक 24 जुलाई 2017 को आयोजित की गई थी दोस्तों। IDA द्वारा 9 द्वीपों के समग्र विकास के लिए विस्तृत मास्टर प्लान और विकास योजना की अवधारणा की समीक्षा की गई है। इन नौ द्वीपों में 4 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा 5 लक्षद्वीप में स्थित हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित द्वीप जो कि 4 हैं, उनके बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ। तो पहला है स्मिथ, दूसरा रॉस,
तीसरा लोग और चौथा है एबिस। एंड लक्षद्वीप में शामिल पांच द्वीप जो हैं वो रहेंगे मिनिकाय, बंगारम, थिनकारा, चेरियम और सुहेली। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। तो केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए किस राज्य के किस शहर का चयन किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा मेघालय। तो इसके बारे में कुछ अब अपन इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर राज्यों में 8 स्मार्ट सिटी के तहत 464 परियोजनाओं के लिए 14,124 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करी है जो कि 26 अक्टूबर 2017 को दी थी। इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र खिर फंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए 826 करोड़ का उपबंध भी किया गया है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर मेघालय रहेगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन। तो केंद्रीय कैबिनेट ने 16 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में किस संस्था की स्थापना को स्वीकृति दी है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा नेशनल एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय शहर में 3 से 5 नवंबर 2017 के बीच वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा नई दिल्ली। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देखते हैं इसके बारे में। तो विश्व खाद्य भारत 2017 सम्मेलन का आयोजन 3 से 5 नवंबर 2017 के बीच नई दिल्ली में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 नवंबर 2017 को इसका उद्घाटन किया। विश्व खाद्य भारत 2017 सम्मेलन में 60 से अधिक देशों के शीर्ष अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान कंपनियों के बीच सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किया गया दोस्तों। पेप्सिको ने 13,300 करोड़ के निवेश के साथ पेय तथा खाद्य पदार्थों के निर्माण के लिए संयंत्र स्थापना की घोषणा की। कोका कोला तथा पतंजलि ने भी कई सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। सम्मिलित तथा सम्मेलन के दौरान निवेश बंधु पोर्टल भी लॉन्च किया गया दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं दसवां क्वेश्चन। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में 24 से 30 सितंबर 2017 के बीच हुनर हाट का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा पुदुचेरी। तो आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा 27 सितंबर 2017 को किस संस्था को एक सूचना उपक्रम के रूप में पंजीकृत किया गया है दोस्तों? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर रहेगा दोस्तों NESL। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 4 अक्टूबर 2017 को किस राज्य में स्थित कांडला पोर्ट का नाम बदलकर दीनदयाल पोर्ट करने की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर गुजरात रहेगा और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अपन देखते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय जहाजरानी मंत्रालय ने 25 सितंबर 2017 को कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह करने के लिए एक विचित्र जानकारी दी थी। कांडला बंदरगाह गुजरात राज्य में कच्छ की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। यह देश के बृहद बंदरगाहों में शामिल है दोस्तों। बंदरगाह के नाम में परिवर्तित इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1988 के तहत किया गया है। कांडला बंदरगाह का निर्माण वर्ष 1931 में किया गया है। यह गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। पश्चिमी तट पर इसे महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता है दोस्तों। कार्गो की संख्या के आधार पर कांडला सबसे बड़ा बंदरगाह है। हाल के वर्षों में यह व्यस्तम पोर्ट के रूप में भी सामने आया है।
तो दोस्तों इसका आंसर, एक कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी 12वें क्वेश्चन की, इसका आंसर गुजरात रहेगा। चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। भारतीय रेलवे द्वारा 28 सितंबर 2017 को किस क्षेत्र में 100 नई उपनगरीय रेल सेवाएं आरंभ करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा मुंबई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP23 CMP13 का आयोजन 6 से 17 नवंबर 2017 के बीच कहाँ आयोजित किया गया है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा वॉन जर्मनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 15वां क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा 16 सितंबर 2017 को किस शहर में क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान को आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं 16वां क्वेश्चन। केंद्रीय गृह मंत्री 18 सितंबर 2017 को किस अर्धसैनिक बल की नई खुफिया व्यवस्था का संचालन शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा SSB। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 17वां क्वेश्चन। किस प्राधिकरण द्वारा 28 सितंबर 2017 को अपना 13वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर बी रहेगा, NDMA। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 18वां क्वेश्चन। नागरिकता संबंधित विवाद के बाद किस देश के उप प्रधानमंत्री को अपने पद से हटने का निर्णय देश के न्यायालय ने दिया? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलिया। आइए दोस्तों 18वें क्वेश्चन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देखते हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में आ सकती है। कैनबरा स्थित उच्च न्यायालय ने 27 अक्टूबर 2017 को देश के उप प्रधानमंत्री तथा 4 अन्य सीनेटरों को पद के अयोग्य करार दिया है दोस्तों। उप प्रधानमंत्री वार्नेवी जाएस तथा 4 सीनेटरों को दोहरी नागरिकता के आधार पर अयोग्य ठहराया गया है। ऑस्ट्रेलिया का संविधान किसी भी विदेशी नागरिक अथवा प्रजा को संवैधानिक पदों पर निषिद्ध करता है। उच्च न्यायालय के 7 जजों की बेंच ने सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया है कि सांसद तथा नीति निर्धारकों को इस प्रतिबंध से छूट प्राप्त है। वार्नेवी जाएस जन्म के आधार पर ऑस्ट्रेलिया के नागरिक हैं किंतु पिता का जन्म न्यूजीलैंड में होने के कारण वंशानुगत रूप से वह न्यूजीलैंड के नागरिक हैं। जिन 4 सीनेटरों को दोहरी नागरिकता के आधार पर अयोग्य बताया गया है उनके बारे में मैं कुछ बता रहा हूँ, तो उनके नाम देख लेते हैं अपन। फियोना नेस, मेलकम रॉबर्ट, स्कॉट लूडलाम, लॉरिसा बार्टर्स। तो दोस्तों एक कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 19वां क्वेश्चन। सागरवाणी क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा यह एक पोर्टल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा ईवे इंडिया कंपनी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने IMF और विश्व बैंक से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा बोलीविया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 22वां क्वेश्चन। चीन ने श्रीलंका के किस बंदरगाह के विकास तथा संरचना निर्माण पर समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा हम मन तोता। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2017 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा इंग्लैंड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालक बालिका अनुपात को बेहतर करने के लिए किस राज्य में
मांझी कन्या भाग्यश्री योजना संचालित की जा रही है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 25 नवंबर 2017 है, नवंबर 2017 में भारत तथा विश्व बैंक के बीच किस राज्य की उच्च शिक्षा कार्यक्रम के लिए ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा उड़ीसा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। मई 2017 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 28वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा बेल्जियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किस देश की संसद ने राष्ट्रपति के उस आदेश को पारित किया है जिसमें धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को चोट पहुंचाने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा इंडोनेशिया। तो दोस्तों अपन इसके इंडोनेशिया के बारे में कुछ इंपोर्टेंट जानकारी देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इंडोनेशिया की संसद ने 24 अक्टूबर 2017 को राष्ट्रपति द्वारा जारी उस आदेश को पारित किया जिसमें देश की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को चोट पहुंचाने वाले संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। दोस्तों राष्ट्रपति जोको विडोडो ने इस आदेश संबंधी दस्तावेज को जुलाई 2017 में पारित किया था। आदेश के माध्यम से एक नीति का निर्णय किया जाना है जिसमें इंडोनेशिया के धर्मनिरपेक्ष विचारों को बनाए रखने के लिए धार्मिक असहिष्णुता फैलाने वाली संस्थाओं तथा लोगों पर कार्रवाई की जा सके। इंडोनेशिया में विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम जनसंख्या निवास करती है। वर्ष 2016 में हिज्ब उल तहरीर इंडोनेशिया तथा इस्लामिक डिफेंडर्स फंड द्वारा जकार्ता में तत्कालीन मेयर पर हमले का दोषी पाया गया था। पूर्व मेयर जो ईसाई धर्म से संबंध है को इस्लाम के अपमान का दोषी बताया गया है। दोस्तों तो सामाजिक संघर्ष से बचने के लिए इंडोनेशिया के आधुनिक नेताओं ने पेंकान सिला को अपनाया था जिसमें देश की एकता सामाजिक न्याय तथा लोकतंत्र को अधिक महत्वपूर्ण माना गया था। दोस्तों तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आप इस प्लीज इसे एक बार और सुन लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत ने विश्व बैंक के साथ $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यह राशि किस क्षेत्र के विकास में लगाई जाती है? चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं और इसका आंसर रहेगा सौर्य ऊर्जा पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूडीज ने कितने वर्षों बाद भारत की रेटिंग को अपग्रेड किया है? तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा 14 वर्ष। तो चलिए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अपन देखते हैं। तो अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 18 नवंबर 2017 को भारत की रेटिंग में सुधार करते हुए Baa2 रेटिंग प्रदान की है। वर्ष 2004 के बाद भारत को पहली बार यह रेटिंग प्राप्त हुई है। दोस्तों मूडीज ने भारत की रेटिंग Baa3 से बढ़कर Baa2 कर दी गई है। Baa3 रेटिंग निवेश की न्यूनतम ग्रेड है जिसे जंक दर्जे से ऊपर माना जाता है। मूडीज के अनुसार भारत की रेटिंग में यह सुधार सरकार की विस्तृत कल्याणकारी योजनाओं तथा आर्थिक संस्थागत सुधारों के कारण सामने आई है। रेटिंग एजेंसी के अनुसार भारत की तीव्र समृद्धि की दक्षता तथा स्थिर वित्तीय स्थिति के कारण सरकारी ऋण में कमी आई है। दोस्तों तो दोस्तों 29वें का आंसर रहेगा 14 वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 30वां क्वेश्चन। तो विश्व बैंक द्वारा 31 अक्टूबर 2017 को जारी डूइंग बिजनेस 2018 रिफॉर्मिंग टू क्रिएट जॉब्स नामक रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
दोस्तों इसमें 100वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए इसके बारे में कुछ अपन इम्पोर्टेंट जानकारी देखेंगे। दोस्तों ये 30वां क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में मैं कुछ सामान्य जानकारी और कुछ 2018 में जो हुआ है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं बताऊँगा। तो 31 अक्टूबर 2017 को द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018 जारी की गई थी, जिसमें भारत ने ऐतिहासिक छलांग लगाई और 100वां स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों पिछले वर्ष से सुधार करते हुए व्यापार करने में सुगमता की सूची में भारत ने 30वां स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों इसमें भारत ने 30 पायदान का सुधार करते हुए 100वां स्थान हासिल किया है। इस वर्ष वार्षिक रिपोर्ट का 15वां संस्करण है। कारोबारी सुगमता से संबंधित इस रिपोर्ट में विश्व भर के देशों में कारोबार लगाने और कारोबार चलाने की स्थिति का आकलन कर देशों को स्थान प्रदान किया जाता है। दोस्तों इसमें मुख्यतः सरकार का नियमन तथा नियामक प्रणाली का आकलन भी किया जाता है। तो दोस्तों कुछ जो 2018 की रिपोर्ट आई है उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो न्यूजीलैंड, सिंगापुर और डेनमार्क ने यह एक बार फिर पहला स्थान, न्यूजीलैंड ने, सिंगापुर ने दूसरा स्थान और डेनमार्क ने दोस्तों तीसरा स्थान हासिल किया है। वहीं विकसित देशों में से रूस ने 35वें स्थान पर रहकर यह स्थान हासिल किया, जबकि ब्राज़ील सबसे पीछे रहा। दोस्तों तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो कि PSC परीक्षा में भी इनमें से पूछा जा सकता है। और मैं 30 क्वेश्चन और अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, जो कि हमारा Part 3 रहेगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। और आप बताइए अगर आपको और किसी टॉपिक पर अगर आपको जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे जानकारी ले सकते हैं और भी हम आपके लिए वीडियो ला सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।